बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, फाइनली Hyundai अपनी ब्रांड न्यू क्रॉसओवर Tucson अब फाइनली पाकिस्तान के अंदर जल्द लॉन्च कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि Hyundai ने अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV को रिवील किया था फरवरी के अंदर इसी साल, और अब ये बिल्कुल रेडी हैं अपनी ये ब्रांड न्यू क्लासी कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Tucson पाकिस्तान के अंदर फाइनली लॉन्च करने के लिए। तो वीडियो के अंदर इसकी सारी डिस्कशन करेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, फीचर्स कौन कौन से आ रहे हैं, पाकिस्तानियों को कब मिलेगी, गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और आज तो आप एक काम करो, वीडियो को शेयर करने के साथ डाउनलोड करो और व्हाट्सएप पे भी सबको फैला दो, ताकि सबको पता चल सके कि इतनी कमाल की गाड़ी भी अब पाकिस्तान के अंदर आ रही है। जी हाँ पाकिस्तानी, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि Hyundai काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के अंदर आने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। इस तरीके की और भी बड़ी कंपनीज़ हैं, हालात बड़े यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी के टाइट हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर अपने इस ऑटो मार्केट के अंदर अपने शेयर को पकड़ने के लिए जो है अब आ रही हैं। Hyundai भी अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स लेकर आ रही है, इसके अंदर हो सकता है हमें हैचबैक्स भी देखने को मिले, सेडान्स भी देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर Hyundai अपनी कॉम्पैक्ट SUV जो है Tucson वो तो अब लेकर आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है फरवरी के अंदर कंपनी ने अनाउंस किया था, और इस गाड़ी की पिक्चर्स भी उस टाइम पर वायरल हुई थी इंटरनेट के ऊपर, लेकिन अब जो इसका पाकिस्तानी वेरियंट है इस Hyundai Tucson का, Hyundai ने अभी ऑफिशियल गाड़ी का फ़ोटोशूट किया है, और ऑफिशियल पिक्चर्स जो कि Hyundai की तरफ से ली गई हैं वो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। गाड़ी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि गाड़ी है कैसी, इस किस प्राइस पॉइंट के ऊपर ही आएगी, और कौन कौन से फीचर्स भी साथ गाड़ी के अंदर होंगे। पहले तरह इसकी एक्सटीरियर की बात करते हैं। अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो इंतहाई ज़्यादा एग्रेसिव, बिल्कुल एक न्यू लुक के अंदर, अनलाइक टोयोटा, अनलाइक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितनी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट, बड़ी एक क्लासी जो है एग्रेसिव लुक है। प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं बिल्कुल ही नए डिज़ाइन के अंदर, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। फ्रंट की इसकी ग्रिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, साथ ही इसकी फॉग लैम्प्स, और फ्रंट की अगर आप इसकी विंडशील्ड के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो बड़ी सटल तरीके से, बड़ी एक क्लासी लुक जो है गाड़ी ओवरऑल जो है पैकेज दे रही है। साइड प्रोफाइल गाड़ी का देखा जाए तो बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म की फील आती है, बिल्कुल एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। शुक्र है पाकिस्तान के अंदर भी अब इन नई गाड़ियों को भी देखने को मिलेगा हमें, और इस टोयोटा से मतलब अब कुछ नई चीज़ भी आंखों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की मुकम्मल खूबसूरत है, फ्रंट की जो लाइट्स हैं काफी बैक तक आ रही हैं, बोनट भी गाड़ी का बड़ा खूबसूरतली सेटल किया गया है, अलॉय व्हील्स के साथ गाड़ी एक ब्यूटीफुल साइड प्रोफाइल की लुक भी दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। गाड़ी जो यहाँ पर हमारे पास आएगी वो 2.0 लीटर 4 सिलेंडर 16 वॉल्व इंजन के साथ, और जो कि 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी। दो वेरिएंट्स यहाँ पे उम्मीद की जा रही है होगी, एक 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का होगा और दूसरा 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं गाड़ी की, यहाँ पर जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर होंगे और जो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस Tucson में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी वेरियंट के अंदर भी, इस लोकल कार के अंदर भी होंगे, जिसके अंदर पावर टेक लाइट भी है, एक खूबसूरत किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai का जो ऑटो लिंक साथ में आता है, वायरलेस फ़ोन चार्जर भी देखने को मिलेगा, डुअल जोन FATC विद क्लस्टर आयोनाइजर भी गाड़ी के अंदर होगा, ऑटो डिफॉगिंग सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एंड हीटेड फंक्शंस भी होंगे, पैडल लैंप भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, रियर AC वेंट्स भी होंगे, कीलेस एंट्री भी होगी, और अच्छी बात यह है कि 4-वे जो यहाँ पर है एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10-वे पावर एडजस्टेड ड्राइवर सीट भी होगी, और रिक्लाइनेबल रियर सीट्स भी होंगी, जो पिछली की सीट्स हैं वो रिक्लाइनिंग होंगी। सेफ्टी की फीचर्स के यहाँ पे इस Tucson खूबसूरत गाड़ी के बारे में बात करते हैं। एक तो सेंट्रल पावर डोर लॉक्स के साथ इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक्स भी होंगी, इमोलाइजर गाड़ी के अंदर हो गई होगा, पार्किंग असिस्ट भी गाड़ी के अंदर है, बैकअप कैमरा, ABS ब्रेक के साथ, डाउन हिल एंड हिल असिस्ट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी देखने को मिलेगी, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल साथ ही साथ यहाँ पे हमें व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट में मिलेगी, 6 यहाँ पर हमें एयरबैग्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी होगा। गाड़ी यहाँ पर जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगी हमारे पास टोयोटा फॉर्चूनर की। ऑब्वियसली फॉर्चूनर थोड़ी सी इस साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दूसरा जो कॉम्पिटिटर आ रहा है वो इसका है किया स्पोर्टेज, और साथ ही साथ सुजुकी विटारा। ये 4 सेगमेंट के अंदर इस टाइम पर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खेल रही हैं अपनी सारी की सारी
कॉम्पैक्ट एसयूवीज में और क्रॉसओवर्स गाड़ियों की ला रही है। इसके अलावा एक दो और कंपनीज भी हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर्स कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी इसी सेगमेंट के अंदर और कंप्लीट इसके जो है इसी के कंपैरेटिवली प्राइस रेंज के अंदर गाड़ियां जो है आप कंपीट करेंगी, लेकर आएंगी। देखना भी यह है कि Hyundai के ऊपर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, किया के ऊपर, टोयोटा के ऊपर, सुजुकी के ऊपर, यहाँ पर जो नई इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। अभी तक कंपनी ने यहाँ पर जो है एग्जैक्टली गाड़ी की प्राइस जो है वो रिवील नहीं की, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाड़ी जो होगी वो 48 लाख से स्टार्ट होगी और 55 लाख के बीच तक होगी। तो 48 तो 55 का ब्रैकेट है और जितने भी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस ब्रैकेट के अंदर लाए कर रहे हैं सिवाय टोयोटा के। फॉर्चूनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इससे बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन किया स्पोर्टेज, विटारा, ये Hyundai की ट्यूसॉन और इलेक्ट्रिक एसयूवीज वो तकरीबन 48 टू 55 के बीच में ही लाई करेंगी। कॉम्पिटिटिव प्राइस है यहाँ पे, जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो है इन कंपनीज का बड़ा कंपटीशन होने वाला है। देखना अब ये है कि ये गाड़ी जो है इसी प्राइस पॉइंट के अंदर आती है या इससे थोड़े से लो के अंदर आती है। अगर 45 से नीचे आ गई फिर तो एकदम गाड़ी, मेरे मुताबिक गाड़ी जो है एकदम पॉपुलर होगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर इन्होंने प्राइस को थोड़ा ज़्यादा रखा तो मुश्किल है कि पाकिस्तानी आवाम के बीच में ये अपनी इस गाड़ी को पॉपुलर कर पाएँ। कमेंट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी मिनी एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज लवर हैं? क्या आप किया पे भरोसा करेंगे या Hyundai पे भरोसा करेंगे या फिर आप टोयोटा पर ही भरोसा करेंगे या सुजुकी की तरफ जाएंगे? अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ केक है, ब्यूटीफुल गाड़ी है, अच्छे कमाल के फीचर्स के साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर गाड़ी अगर आ जाती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगी। आप अपना ख्याल बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आ रहा हूँ सब लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए। आओ नीचे गपशप लगाते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।